चलो, क्लास टेंथ साइंस फिजिक्स का चैप्टर है, ये चैप्टर टेंथ है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखो लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, सारी चीज़ बातें करेंगे इस वीडियो में। पहले हम बात करते हैं पार्ट वन में कि लाइट लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, लाइट क्या होता है, उसके हाँ उसकी क्या क्या खासियत होती है ना, वो बात करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम कब रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और इमेज कि इमेज क्या होता है, हाँ मिरर एंड इट्स टाइप्स, मिरर एंड कि जो मिरर होता है भैया उसके कितने टाइप्स होते हैं वो बात करेंगे। रे डायग्राम ऑफ मिरर कि भैया रे डायग्राम कैसे बनता है मिरर में, ठीक है। और यूज़ ऑफ मिरर कि भैया जो मिरर है हम उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं वो भी बात करेंगे। साइन कन्वर्जन एंड द मिरर फार्मूला, उसके कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है, वो फार्मूले भी हम लाइट क्या होता है, देखो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वल अस टू सी। तो भैया लाइट से तुम क्या चीज़ देखते हो, बिना लाइट का तुम चीज़ को देख पाओगे क्या? अभी मैं बंद कर दूँ, ये रूम बंद कर दूँ और लाइट चला जाएगा, तुम देख पाओगे इसको, देख पाओगे भैया को नहीं, किसी को किसी ऑब्जेक्ट। तो लाइट क्या है भैया, एनर्जी है, इसी की वजह से हम क्या चीज़ों को ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, यहाँ वही बता रखा है। तो फिर लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या खासियत वो देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कि इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जैसे यहाँ बोला कि जो लाइट है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, समझ में नहीं आया। देखो मैंने ऑन किया लाइट को ऑन किया, तो इसका कोई मीडियम चाहिए क्या उधर जाने के लिए? मैं कहूँगा भैया उधर जाओ उधर जाओ, लाइट को ऐसे बोलूँगा तभी जाएगा क्या? मीडियम नहीं चाहिए, अपने आप चालू करोगे लाइट अपने आप फैल जाती है, तो ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। आप कहोगे भैया एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग से दीजिए, जैसे कि मैं मानने का भी दिया था, जैसे कि साउंड है बेटा, मैं देखो तो साउंड का कोई मीडियम चाहिए, साउंड का क्या चाहिए, मीडियम मतलब कोई माध्यम चाहिए, तभी तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बट लाइट में ऐसा कोई नहीं है। अब रोशनी, जो सन लाइट का जो रोशनी आता है भाई, वो क्या होता है, ऑटोमेटिक तुम्हें हर चीज़ ऑब्जेक्ट दिखता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कुछ बज रहा है तब वो रोशनी आपके पास आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो ये उसका माध्यम, लाइट का माध्यम नहीं चाहिए, बट साउंड के लिए या और भी कोई चीज़ के लिए माध्यम चाहिए। तो हम इससे समझ में कि ये जो लाइट है ना किसी का माध्यम नहीं चाहिए। अलग जो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है, लाइट टेंड टू द ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। तो लाइट कैसे चलता भैया, एग्जाम्पल भी बताया था, मान लो वही एग्जाम्पल पुरानी वाली चीज़, देखो मान लो यहाँ पर मैंने एक पाइप ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक मोमबत्ती रख दिया, ठीक है, कैसा मोमबत्ती है देख लेना, और मैं यहाँ पर राहुल का आँख डाल दिया, बड़ा है ना इसलिए डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, और वो देख लेगा, इसको देख लोगे ना आराम से, बट यहीं पर मैं क्या कर दिया, अब इसको ना एक पाइप और जोड़ कर तुम्हारा आँख यहीं रहने दिया हूँ, ठीक है, और ये पाइप को ना थोड़ा सा मैंने फोल्ड कर दिया और यहाँ पर मैंने मोमबत्ती जला दिया, ठीक है, कैसे जला दिया देख लो, जल रहा है संभोज मान लो। अब क्या मैं यहाँ जलाने के बावजूद आप तुम इसको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों? रोशनी को देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। क्यों? इसका रीज़न यही है कि जो लाइट होता है ना वो सीधे में ट्रेवल करता है, इसलिए हमें वो फोल्ड होते ही ना रोशनी वो ऐसे घूम के नहीं जाएगी, वो स्ट्रेट में ही ट्रेवल करती है। यहाँ ये प्रॉपर्टी की कहानी समझ में आ गया होगा, यस या नो? यस। चलिए तो बातें करते हैं अब हमारे कह रहे इट हैज़ अ ड्यू नेचर। ड्यू नेचर का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी। जो लाइट होता है ना बेटा, ये कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि भैया जो ये इसके अंदर पार्टिकल से बने हुए लाइट, और कुछ ने क्या बोल दिया भैया बताइए, वेव से बने हुए, मतलब जो दो चीज़ इसमें बता रखा है कि लाइट ना, हाँ, तो इसलिए इसको किस नाम से बोला, ड्यू नेचर कहें, क्या ड्यू, हाँ दो है ना, ड्यू नेचर बोलते। अब यहाँ पर बोला लाइट कास्ट शैडो, क्या होता है बेटा, लाइट की जो लाइट है जो हमारे ऊपर पड़ती है जिसकी शैडो बनती है, हाँ, तो लाइट क्या कास्ट करती है भैया, शैडो बनाती है। अब यहीं पर मैं देखो ये लाइट आ रही है, ठीक है, और हमेशा शैडो अपोजिट साइड में बनता है, लाइट ये रहा उसका अपोजिट साइड, ये हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर शैडो बन रहा है। तो यहाँ पर बोला लाइट में क्या होता है, कास्ट शैडो बनता है, मतलब वो शैडो प्रोड्यूस करता है। मैं यहीं पर बात करता हूँ स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम, जो वैक्यूम होता है भैया, जैसे कि जहाँ पर हवा हवा नहीं है तो वहाँ पर भी हमारा लाइट ट्रेवल करता है, वहाँ पर भी इस चीज़ दिखेगा, बट उसका स्पीड क्या है, थ्री मल्टीप्लाई टेन का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया। हाँ, और भी कई माध्यम में जाओगे तो वहाँ पर लाइट कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये वैक्यूम, यू नो, जहाँ पर हवा हवा नहीं होता है ना,
वहाँ पर की बात की गई है कि वेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस। देखो एक सरफेस का मतलब कि भैया जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पर ना लाइट गिरती है। जैसे तुम एक ऑब्जेक्ट हो, तुम एक ऑब्जेक्ट हो, तुम क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, और भी ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। लाइट क्या करती है, गिरती है, उसके बाद रिफ्लेक्शन होकर मेरे आँखों में आती, फिर तुम दिखती हो। कहोगे भैया ये पल्ले नहीं पड़ा। अब देखो समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, सीधा लूँगा टॉर्च, तुम्हारे आँख में घुसेड़ दूँगा, कौन मुझे देख, और इधर तुम्हारे और भी दोस्त को ला दूँगा, देख कौन कौन आया। कहोगे भैया कहाँ दिख रहा है, दिख जाएगी क्या, तो डायरेक्ट आँख पर रोशनी आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट को तुम मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से हम तुम दिख रहे हो, ये लाइट दिख रहा है ना, ये तुम्हारे बाल दिख रहे, बड़े बड़े आँख दिख रहे सबके, ठीक है, और ये मेरे ये दिख रहा, क्यों हो रहा है, पहले क्या कर रहा है, ये लाइट इस पर गिर रहा है, वो रिफ्लेक्शन होकर मेरे आँखों में आ रहा है, फिर वो मुझे दिख रहा है। तो ये इसका ये चीज़ ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, कैसे दिखता है भैया, पहले लाइट सीधा आँखों में आता है क्या, पहले ऑब्जेक्ट पर गिरता है, मतलब ऑब्जेक्ट पर गिरती है, फिर वो हमारी आँखों पर गिरती है, तभी हम लोग उसको देख पाते हैं। हाँ, मान लो यहाँ पे एक कुटरी है, रोशनी इस यहाँ गिरेगी, फिर वो हमारे वो मतलब रिफ्लेक्शन होकर इस पर टकरा के वो रिफ्लेक्शन होगा, उसके वजह से ये ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया है, तो बस रिफ्लेक्शन क्या हो गया, कैसे दिखते हैं पता चल गया। लाइट क्या भी है, लाइट एनर्जी है क्या, और कुछ भी है नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तरने होता है ना इस टाइप से। अब हम बात करते हैं भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ प्रॉपर्टी है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कैसे है? बात करते हैं, तो कह रखा है देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब टकराना। अब मैं कोई बॉल मारता हूँ, वो क्या होता है, बाउंस होकर हमारे इधर आता है कि नहीं आता है, है? हाँ, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन का मतलब कोई भी सरफेस पर टकरा कर वो बाउंस बैक हो जाए, मतलब वापस कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके लिए मैं बॉल का एग्जांपल ले रहा हूँ, अब भाई बॉल लिया, वो मारता हूँ, वो क्या होता है, टकरा के फिर आ जाता है, ये से ना, तो यही ऐसा जाकर वापस आना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये तो ऑब्जेक्ट के साथ बता दिया, लाइट के साथ क्या होता है, लाइट के साथ भी सेम एज इट इज़, लाइट पहले सरफेस पर आता है, देन वो टकरा के फिर दूसरे रास्ते निकल जाता है, तो ये वाली लाइन आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो टकरा, हाँ, तो जब कोई भी रोशनी यहाँ से आ रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। फिर ये कहाँ पर टकराएगा, ये कौन सा मिरर है, एक मैं मिरर ले लिया, ठीक है, और वो मिरर कैसा है बेटा, एकदम साफ क्लीन वाला, ये नहीं कि तुम्हारे पर भी तो रिफ्लेक्शन होगा बट कम हो रहा है, ठीक है, ये रे नहीं दिख रहा है। रे क्या होता है, देखो मैं रे का एग्जाम्पल दूँ क्या, नहीं, रे का मतलब सीधा एक कोई भी लाइट आ रहा है बेटा, मान लो कोई लाइट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, एक मैं यहाँ पर कुछ एक बाधा डाल दिया, ठीक है, यहाँ से रोशनी आ रहा है, मैंने यहाँ एक सुराख कर दिया, वो सुराख होने पर एक रे टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है, यहाँ से रोशनी आ रहा है, इसमें गया, हाँ, मतलब डाल दिया, और ये इस टाइप का दिख रहा है, इसी को मैं क्या बोलूँगा, रे लाइट बोलूँगा, क्या बोलूँगा, रे। अब देखो रे लाइट समझ में आ गया, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे क्या होगा, मतलब जो आने वाली रे को ही हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, टकराने के बाद जो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्लियर हो गया, यस या नो, चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक नॉर्मल लाइन खींचनी होगी, ठीक है, किसके परपेंडिकुलर जो सरफेस है उस पर खींचेंगे, और यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है ना, और जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो कुछ एंगल बना रहा है, उस एंगल को किस नाम से जानते हैं भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। सेम एज इट इज इस साइड भी कुछ एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर कुछ इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, लॉ ऑफ है, कानून है, देखते हैं क्या क्या है। हाँ, ये वाला कानून मैं थोड़ा समझाया नहीं, समझा देता हूँ। जैसे कि ये वाला एंगल को हम क्या बोलते हैं, आई बोल दिया, इस एंगल को क्या बोल दिया, आर बोल दिया, तो एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर हो जाएगा। तो ये क्या समझे कि हमेशा जिस एंगल से रे आएगा उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लो ये एंगल 30 एंगल से आ रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल भी बन रहा है वो कितने का बनेगा बाबू, 30 एंगल का बनेगा, मतलब 30 डिग्री का बनेगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन होता है। चलो यहाँ पर कुछ और बात है बेटा, समझाते हैं। कह रहे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, जो बोला आपने वही चीज़ लिखा हुआ है कि अब हाँ ये एक ही प्लेन पर होता है,
जो ये पूरा प्रोसेस होता है वो कितने प्लेन पर होता है, एक ही प्लेन, एक ही पॉइंट पर होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ आया, फिर ये पॉइंट, देन इधर गया, फिर ये नॉर्मल, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड एट द नॉर्मल एट द पॉइंट इन द इंसिडेंट्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पर ये तीनों लाइन मतलब लाई करता है, मतलब रहता है, ठीक है। क्या होता है, वट इज़ इमेज, इमेज क्या होता है, मतलब आपके जैसा डिट्टो, मतलब जैसे आप एक मिरर मैंने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पर कुछ शक्ल बन गया, तो इसी को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, यस या नो। आप यहाँ खड़े हो और यहाँ पर कुछ आपके जैसा बन गया, इसी को हम इमेज बोलेंगे, बस। चलिए तो बात करते हैं भैया, तो कह रहे हैं इट इज़ द पॉइंट ऑफ वे एट लीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपेयर टू मीट। कह रहे इमेज हम तब बनते हुए देखते हैं जब रियल में दो लाइन जो दो रे लाइन मिलते हुए या मिल रहा है या मिलते हुए दिख रहा है, तो उस टाइम हमें क्या बनता है, इमेज बनता है। इमेज दो टाइप का होता है बेटा, कितने टाइप का, दो टाइप। एक तो रियल इमेज होता है, रियल इमेज क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी से। इट फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, कह रहे कि जब दो रे आपस में मिल रियलिटी में मिलता है तभी हम, तब उस टाइम कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। भैया एग्जाम्पल बताइए ना, अभी बता दो, ये पूरा तीनों लाइन बोल दूँ फिर बताऊँगा। कह रहे कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, और वो जो रियल इमेज होता है ना वो आप स्क्रीन पर क्या कर सकते हो, उतार भी सकते हो, ऑब्टेन भी कर सकते हो, ठीक है। फिर वो क्या उतार भी सकते हो और साथ में कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनता है। भैया समझाओ, चलो समझाता हूँ। जो आप प्रोजेक्टर देखते हैं ना, तो रियल में स्क्रीन पर क्या होता है, मीट होता है कि नहीं होता है, ये जाता है बोर्ड पर जाता है, देन वहाँ पर आपका पूरा चीज फिल्म, देखो स्क्रीन पर क्या होता है भाई, आपका कोई भी इमेज आपका बन जाता है, जो बना है वो इमेज तुम इस पर बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या आप मूवी जाके देखते हो। तो एक्चुअली में जो मीट होता है रे, तो हम उस टाइम रियल इमेज बनता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले दिया, जो प्रोजेक्टर होता है उसका पूरा रोशनी सीधा आपका बोर्ड पर जाता है, वहाँ पर आप फिर अपना ड्रॉ, अपना शकल वकल, तुम्हारा ही शकल उस पर बन जाएगा, ठीक है, बना सकते हो आप, ड्रॉ कर सकते हो। तो वैसा इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होता है, इट अ फॉर्म व्हेन लाइट रे अपेयर टू मीट, ऐसा लगता है मतलब वहाँ पर मिलता है, मतलब अपेयर होता है, मिलते हुए दिखता है रे, बट एक्चुअल में मिलता नहीं। उस टाइम जो इमेज बनता है उसको हम कौन सा इमेज बोलते हैं भैया, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज में एग्जांपल दीजिए, जैसे कि आप लोग अपना थोपरा देखते हैं सुबह सुबह उठ के, कहाँ देखते हो बताओ जल्दी से, शीशे में देखते हो क्या, अब रियलिटी में बताओ वो शक्ल तुम, अब मैं कभी कभी मैं सोचता भी था, जब मैं पढ़ाई नहीं करता था, तो पढ़ाई करने का मतलब छोटा बच्चा था, तो उस टाइम का तो यार मेरा शक्ल जैसा है थोपड़ा तो दिख रहा है, बट मेरे शीशे के अंदर है, मैं सटते सटते इसके अंदर घुस जाता था, मतलब एकदम सट के आ जाता था। फिर कभी यार मैं अपना शक्ल कभी बना नहीं पाऊंगा यार, और सच में बना लोगे क्या, या तुम्हारा अपना शक्ल देख लो, थोपड़ा देख लो शीशा में जो डेली लाइफ यूज़ करते हो आप लोग, तो क्या उस टाइम अपना थोपड़ा बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। तो उस टाइम थोपड़ा क्यों नहीं बना, वो ऐसा लगेगा कि वो अंदर में बन रहा है, तुम जितने दूर हो उतना शीशा के अंदर दूर में आपका मतलब शकल बन रहा होगा, अब जितने पास में आओगे उतने पास में आपका शकल बनते हुए दिखेगा, दिखता है कि नहीं दिखता है। तो ऐसा ऐसा इमेज को हम क्या बोलते हैं, विचुअल इमेज बोलते हैं। तो यहाँ बोला कि यहाँ पर वही बोल रखा है कि ऑब्टेन कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर हम उसको बना सकते हैं क्या, अपना थोपड़ा बना सकते हो, नहीं बना सकते, यहाँ पर वही चीज़ बताया गया, ठीक है। और इरेक्ट का मतलब ये थोड़ा सा, जैसे इरेक्ट का मतलब जैसे आप हो वैसे बनेगा, वैसे आपका शक्ल बनेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज समझ में आ गया, रियल इमेज कब बनता है समझ में आ गया, वो नहीं समझ में देख लेना। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखो स्फेरिकल मिरर देखें आप लोग, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जो स्फेरिकल मिरर है उसको तरीके से नहीं बोलते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ आता है, ठीक है। मान लो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में सबसे पहले ये क्या है बेटा, सी का मतलब सेंटर, सेंटर। अब मैं कुछ सर्कल बनाऊंगा, मान लो ये सेंटर, तो बीच में क्या होता है भाई, सेंटर पॉइंट, तो इसको हम जो स्फीयर मिरर के समय क्या बोलेंगे इस चैप्टर में, तो सी को हम सेंटर तो बोलेंगे, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है, इस वाली वैल्यू को, ठीक है। अब पोल किसे बोलेंगे, जो ये दोनों जो लाइन है ये वाला, इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बोलेंगे, और ये वाली जो ये वाला दोनों, ये वाला जो है ना यहाँ पर मीट हो रहा है दोनों मिरर और ये वाला एक्सिस, इस वाले को हम किस नाम से बोलते हैं भैया, पोल बोलते हैं, मतलब पी से डिनोट करते हैं, बट इसको बोला जाता है बेटा पोल।
फिर अब देखो सी से यहाँ से मान लो यहाँ सी मान लिया था और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा बताओ जल्दी से, रेडियस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? रेडियस बोलूंगा। इसको हम क्या बोलेंगे भैया जल्दी बताओ, सी को क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ वाले पॉइंट को हम किस नाम से बोलते हैं? पोल बोलेंगे, ठीक है। और सी से और पी की दूरी को हम क्या बोलते हैं भैया? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? रेडियस। और जो ये बन यहाँ पर दिख रहा है इसको हम किस नाम से बोलते हैं भैया? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। अब यहाँ पर देखो पी और एफ की दूरी वाले को हम क्या बोलेंगे? फोकस लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकस लेंथ। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक मिरर है बेटा, एम से एन तक, एम से एन तक ये मिरर है। तो ये वाला कोना और ये वाला कोना को नापेंगे तो ये पूरा कोना को नाप तो हम ले लेंगे, मतलब ये कोना है, बट इसका नाम क्या बोलोगे? एम एन को क्या बोलेंगे? अपरेचर। क्या बोलेंगे? अपरेचर, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपरेचर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी मिरर होगा ना, इसका यहाँ वाला से और यहाँ तक की दूरी को किस नाम से जानते हैं हम? अपरेचर बोलते हैं। यहाँ यहाँ वाले पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, यहाँ वाले पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और सी से मतलब पी और सी की दूरी को हम रेडियस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? और देखो हाँ, जो फोकस होता है उसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है capital. और फोकस लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो स्फीयर का मिरर आता है टू टाइप का आता है, कितने टाइप का आता है बेटा? टू टाइप के। कौन कौन से होते हैं बताइए जल्दी से भैया, पहचानेंगे कैसे? पहचानने का भी बताया था मैंने। देखो कॉनकेव, देखो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, मतलब अंदर की ओर इमेज बनेगा, अंदर की ओर इमेज बनेगा, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, बाहर की ओर इमेज बनता है। जानने के लिए कहाँ पर इमेज बनेगा, तो देखो कॉन्वेक्स ये एक्स आ रहा है ना, ये एक्स का मतलब कि एग्जिस्ट होता है ना, एग्जिस्ट क्या होता है? बाहर होना। तो जहाँ कोई भी मिरर का बाहर इमेज बन रहा है तो वो कौन सा मिरर कहेंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। और कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर इसका उल्टा है बेटा, एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो गया कि भैया कॉन्वेक्स का मतलब बाहर इमेज बनेगा, कॉनकेव का क्या होगा? अंदर की ओर इमेज बनेगा। इसलिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं भैया, क्या बोलते हैं? कर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर का मतलब ये डिवाइड करता है। क्या करता है? मतलब डिवाइड का मतलब इमेज को इधर उधर भगाता है, मतलब फैलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। बात कर कि रूल ऑफ द मेकिंग, देखो जो मैंने मिरर लिया है ना, इसके साथ कुछ रे डायग्राम बनता है, तो इसका कुछ चार पॉइंट है, वो चार पॉइंट ध्यान से देखते हैं कि रूल ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के समय रे डायग्राम बनता है तो कैसे कैसे बनता है, ये बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है और मुझे भी हो रहा था, पहले पिछले साल पढ़ाया था ना तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था, ठीक है। तो इस बार नहीं होना चाहिए। तो रूल ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर के समय हमारे पास ये आपका कौन सा मिरर हो गया बताओ जल्दी से? कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन को हम किस नाम से जानते हैं भैया? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखें अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कह रहा है कि जो रे लैंड है, मतलब कोई रोशनी यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। वो कहाँ टकराएगा? यहाँ पर टकराने के बाद फिर कह रहा है कहाँ जाएगा? टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ जाएगा वो? फोकस आफ्टर, जो रिफ्लेक्शन होकर वो आफ्टर कहाँ से जाएगा बेटा? फोकस से जाएगा। तो भैया इसको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो एक्सिस से पैरेलल जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस यही है ना, उसके पैरेलल क्या है? एक रे आया, वो कहाँ से टकरा के जाएगा? फोकस से जाएगा, मतलब वो ऐसे आएगा। और कैसे जाएगा बाबू? ऐसे पैरेलल आएगा और रिफ्लेक्शन होकर कहाँ से जाएगा? फोकस के होते हुए चला जाएगा। पहली लाइन समझ में आ गई होगी, यस। फर्स्ट समझ में आ गया, तो सेकंड देखो, कह रहे हैं बेटा कि फोकस से रे आ रहा है, कहाँ जाएगा? यहाँ टकराएगा इस, और वो कहाँ चला जाएगा भैया? वो पैरेलल हो जाए किसके? एक्स एक्सिस। पहले वाला ही सीन हो रहा है, पहले क्या था? ऐसे आएगा, इधर आ जाएगा। अब कह रहे हैं भैया फोकस से जाएगा, हाँ फोकस से जाएगा, वो किधर चला जाएगा? वो पैरेलल हो जाएगा किसके भैया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इतना बात समझ में? पहले ऐसे आया था, देन ऐसे हो गया, अब ऐसे जा रहा है तो इधर ही जा रहेगा, ठीक है। दोनों के समझ में भी आ गया होगा, नहीं? चलिए तो अब हमारा थर्ड देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, रे पास थ्रू द सेंटर कर्वेचर इज द रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है पहले ये बताओ आप लोग। यहाँ पर बोला गया है कि जब भी यहाँ से रे कोई आ रहा है तो आएगा, मान लो यहाँ से मैं ऐसे भेज दिया तो ये यहाँ टकराने के बाद किधर जाएगा? ये इधर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो सेम ऐसे गया, वो फिर से दोबारा इसी रास्ते से आ जाएगा, क्योंकि सी ना बड़ा खतरनाक है, मतलब ऐसा बोल देता हूँ, हाँ ये ना गुंडागर्दी कर रहा है,
है ना, होता है ना कि जाएगा और मेरे इधर मेरे रास्ते से आएगा, इसका रूल कहता है ना, जब भी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है उसका रूल कहता है कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वो ऐसे जाएगा रिफ्लेक्ट होकर यहीं पर आ जाएगा, समझे? पहली बात बोला कोई रे यहाँ से आएगा तो फोकस होके जाएगा, फोकस से जाएगा मतलब कोई एक्सीडेंट रे है तो किससे जाएगा भैया, पैरल ऑफ एक्सिस जाएगा। तीसरा केस क्या बता दिया मैंने, सेंटर वैसे ही वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब कह रहा है रे इंसिडेंट ऑन द पोल रिफ्लेक्टिंग मेकिंग इक्वल एंगल, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई रे कहाँ पर टकरा रहा है बेटा, पोल से टकराएगा, तो वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगा, वो इक्वली क्या होगा, नीचे नहीं चला जाएगा, मतलब बराबर एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये बोला गया है। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, जैसे यहाँ आया ठीक है, वो फिर यहाँ आ गया, तो जितने एंगल से मान लो ये 30 एंगल से इंसिडेंट रे आ रहा है, पोल पर टकरा रहा है, तो रिफ्लेक्ट होकर भी कितने एंगल से 30 से चले जाएगा, 30 से जाएगा, तो तीनों केस चारों के समझ में आ गया होगा, यस नो? ये इसका यूज़ करना है, चार मार्क्स का आता है भैया, कितने मार्क्स का, चार मार्क्स का, और ये कहेगा अरे भैया कैसे करेंगे, रे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रे डायग्राम कैसे होगा, कह रहे भैया मान लो कोई भी इमेज ना इनफाइनाइट पर होगा, कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट पर, तो उस समय उसका इमेज कैसे बनेगा, क्या क्या प्रोसेस है, कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पर यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से एक रे जाएगा, यस या नो? वो यहाँ जाएगा तो किधर से टकरा कर वापस, कहाँ से जाएगा वापस होकर, पैलेट जा रहा है एक्स एक्सिस से, वो कहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर, तो अलग अलग ऐसे दिए गए होंगे, हमें खाली बताना है, ठीक है, तो भैया हमें ऐसे अलग अलग बताना है। हाँ, पेपर में जैसे कि जैसे ये दे रखा है, हम कैसे वहाँ पे, वहाँ पर बता, वो इनफाइनाइट है, वो बता रखा ना व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो बताओ कैसे कैसे इमेज बने, तो इनफाइनाइट यहाँ से आया कोई, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ रे आया, इसके पहले आया, हमें पता है कि कहाँ से, यहाँ ऐप से मतलब फोकस से जाएगा, तो सेम एज इट इज मैंने हमेशा दो रे लेना पड़ेगा, एक रे से नहीं होगा, हमेशा दो रे आपको टकराए तभी पता चलेगा इमेज कहाँ बनेगा, तो मैं मान लिया कि भैया एक और नीचे वाला से ले लिया, तो ये पहले है तो किससे जाएगा, एफ से मतलब फोकस से जाएगा, तो देख सकते हो ये सब ऐसे करके जाएगा, क्योंकि भैया पहला रूल बोला था कि ऐसे जाएगा फोकस से होकर जाएगा, ऐसे जाएगा फोकस से वापस जाएगा, तो यहाँ पर बताइए जहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होकर जहाँ सब मिल रहे हैं वहीं पर क्या बनता है, इमेज बनता है, तो इमेज का फोकस देखो, कह रहा कि पोजिशन एट, जो इमेज कहाँ पर बनेगा बताओ जल्दी से, इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज का पोजीशन कहाँ, एफ पर बनेगा, क्योंकि सारे लाइन कहाँ पर टकरा रहे हैं, एफ पर बने, पहली केस है ना। सेकंड क्या, नेचर, वो कह रहा कि हाँ कि भैया उसका नेचर क्या है, तो यहाँ पर बताया कि वो रियल बनेगा, हमें रियल का मतलब एक्चुअली मुझे लाइन देखो ये मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इमेज से पहले भी कोई मिरर से पहले कोई टकरा रहा है लाइन, तो समझना वो रियल इमेज बनेगा, और रियल के साथ क्या बनता है, इन्वर्टेड, क्या होता है, उल्टा बनेगा, क्या बनता है, उल्टा बनेगा, ठीक है। और साइज पॉइंट साइज, कह रहे कि इमेज कितना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा कि इतना बड़ा कि इतना बड़ा, तो साइज कितना बनेगा, मतलब एकदम पॉइंट साइज का, कैसे भैया, पॉइंट साइज का एकदम छोटा सा बनेगा। पहला केस समझ में आ गया, कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा, मतलब फोकस पर बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, कैसा इमेज रहेगा, वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तीसरा क्या है बताओ जल्दी से, कैसा कितना बड़ा इमेज बनेगा बताओ जल्दी से, पॉइंट साइज का बनेगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब जो सी है ना उससे पीछे में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस टाइम कैसा कैसा इमेज बनेगा, तो देखो मान लो मैंने सी से पहले कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, यस या नो? अब देखो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, अब क्या होगा, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ले जाता हूँ, ले गया, और यहाँ का रूल क्या कहता है, पहला रूल कि यहाँ से जाएगा तो कहाँ से जाएगा भैया, फोकस से जाएगा, पहला केस हो गया। और एक रे लाइन से हम इमेज का पता नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमेशा क्या करना है, दो रे बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहीं से सी से क्या करता हूँ, रे ले जाता, और सी का रूल क्या कहता है, जैसे आया है वैसी तुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो देखो ये इधर आया, ये जो रिफ्लेक्शन वाला लाइट, जो रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट, दोनों लाइट कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हाँ तो यहाँ नहीं, फोकस पर नहीं, देखो ध्यान से, हाँ तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा, तो बोल रखा है पोजीशन, इमेज का पोजीशन क्या है, बिटवीन, मतलब किसके बीच में, कह रहा है कि एफ और सी के बीच में बन रहा है, देख सकते हो ये रहा बन रहा है कि नहीं बन रहा,
यहाँ पर बन रहा है, मतलब F और C के बीच में बन रहा है, पहली बात ये हो गया। सेकंड कैसा बन रहा है, रियल में, मतलब मिलते हुए लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो रियल बनेगा। और रियल के साथ देखो ये उल्टा बन रहा है, यस है ना, एरो इधर है ना, तो कैसा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। कैसा बनना भैया, इन्वर्टेड। कह रहे साइज बताओ ना, ये इमेज कितना बड़ा बनेगा, तो देखो पहले कितना था बिंदी जैसा, अब देखो थोड़ा सा बड़ा नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ देखो एक्स एक्सिस से ये देखो लाइन बड़ी है कि नहीं है, इससे हटी है ना दोनों, तो एक्स एक्स के नीचे लाइन मिल रहा है, स्मॉल साइज। हाँ स्मॉल साइज क्या होगा बेटा, स्मॉल साइज। तो बात समझ में आ गया, सी से पहले मैं ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो यहाँ से एक रे जाएगा, ये फोकस से होगा, फिर मैंने दो चाहिए रे तो एक सी से जाएगा, सी से वापस, मतलब ये दोनों रे रिफ्लेक्टिव लाइन यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर उसका इमेज एफ और सी के बीच में बनेगा, और रियल रियल इमेज बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा, स्मॉल साइज का बनेगा। क्लियर हो गया नो। अब थर्ड देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट अ सी, पहले हम क्या करें, सी पहले तो यहाँ रखे थे, फिर सी से यहाँ पर रखे, अब क्या है सी पर ही रख दिए, कहाँ पर रख दिया बाबू, सी पर रख दिया, तो उस टाइम इमेज कैसा बनेगा बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक सेम एज इट इज़, पहले तो पहला केस हमेशा लगा देना, पहला केस लगा देना कि इसके पहले एक रे जाएगा फोकस से होकर आ जाएगा, फिर मैं यहीं से इसका अब क्या करता हूँ, यहाँ से फोकस से ले जाता हूँ, कहाँ से ले जाता हूँ, फोकस से, और फोकस से जाएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, पहला रूल याद है ना कि भैया फोकस से आएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, किसके एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, सेकंड रूल, पहला रूल था कि भैया ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, और फोकस से होते हुए जा रहा है तो वो सीधा हो जाएगा, तो दोनों केस बात सीन हो गया। तो बताइए दोनों रिफ्लेक्टेड लाइन कहाँ मिल रहा है, देखो ये वाला रिफ्लेक्टेड ये रहा, ये इसका रिफ्लेक्टेड ये वाला लाइन, ठीक है, तो ये दोनों लाइन आपस में यहाँ टकरा रहा है, मतलब इमेज बनेगा, तो एक्स एक्स यहाँ से यहाँ तक इमेज बनेगा, यहाँ से यहाँ तक इमेज बनेगा, तो देखो कहाँ पर बन रहा है, तो देखिए कहाँ पर बन रहा है, एकदम सी पर ही तो बन रहा है, तो यहाँ पर देखो पोजिशन कह रहा है कि जो इमेज का पोजिशन कहाँ है, पोजिशन कहाँ है इमेज का, सी पर ही बेटा, ठीक है, उसका नेचर बताओ ना, तो भैया मिलते हुए तो दिख रहा है ना, तो क्या रियल बनेगा, कैसा बनेगा बाबू, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, देखो उल्टा एरो बन रहा है, ऐसा एरो है तो नीचे बन रहा है, ठीक है। अब कह रहा है साइज कैसा बनेगा, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट है उतने बड़ा है तो इमेज है, देखो मान लो यहाँ पर कोई है तो जितना लंबाई है वही लंबाई का इधर भी तो है, तो इसलिए क्या है सेम साइज का बनेगा, जितना बड़ा इमेज है उतने इमेज का, मतलब जितने बड़ा ऑब्जेक्ट है उतने बड़ा ही इमेज बनेगा, मतलब उतने बड़ा ही फोटो आपका बनेगा, ठीक है। तो ये व्हेन ऑब्जेक्ट सी कहाँ पर होगा, तो उसका प्रोसेस समझ में आएगा, एक ऐसे आएगा फिर सी से फिर ऐसे हो जाएगा, तो दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो फोर्थ में व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, कह रहा है तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन कहाँ बेटा, एफ एंड सी से, तो इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लूँ तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट डाल दूंगा, तो क्या होगा, पहले तो कहाँ से जाएगा बेटा, चलो मैं इसको देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई इमेज तो पहला रूल हमेशा लगाना है, पहला रूल तो आपको लगाना ही पड़ेगा, कहाँ जाएगा बेटा, पैलर जाएगा, वो किससे गुजरेगा, जो पैलर होता है बेटा फोकस से गुजरेगा, पहली बात। अब दूसरा क्या, अब तो मैं सी से तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो सी से इधर है, अब यहाँ से होता तो मैं सी से ले आता, बट सी के बीच में तो यहाँ से तो मैं ला नहीं सकता ना, तो इसके बाद ही मैं कुछ रेल डाल सकता, तो मैं बोला कि भैया चलो फोर्थ वाला रूल क्या बोला था कि जो पोल पर टकराता है वो पोल का जितने एंगल से टकराता है उतने एंगल से उतने रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाता है। अब देखो ये वाला लाइन इधर आया, ये वाला लाइन इधर आ रहा है, दोनों एक जगह कहाँ मिल रहा है बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइन कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो देखो जहाँ मिल रहा है मतलब वहीं पर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो देखो सी से इधर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि पोजिशन बियॉन्ड, कह रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा, कह रहा है सी के इधर बनेगा, बियॉन्ड सी के बाहर में बनेगा, तो बियॉन्ड बाय सी। फिर कह रहा है नेचर कैसा होगा, भैया नेचर क्या उल्टा बन रहा है, तो मैं कहूँगा रियल मिलते हुए दिख रहा रे, तो मैं बोलूँगा रियल और इन्वर्टेड, रियल बेटा इन्वर्टेड है। अब यहाँ पर कितना बनेगा, देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, तो ये क्या है बेटा बड़ा साइज बना है, तो यहाँ पर क्या है इन लार्ज बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट उससे बड़ा बनना है, इसलिए क्या है इन लार्ज इमेज बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट उससे बड़ा बन रहा है इसलिए इन लार्ज इमेज हो गया, समझ में आ गया। तो ये चारों केस समझ में आ गया, पांचवा केस क्या है, डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्म द कॉनकेव मिरर में, तो क्या है व्हेन ऑब्जेक्ट एट, अब देखो पहले तो मैं यहाँ रखा था यहाँ पर इन्फाइनाइट पर, फिर कहाँ डाला था सी से इधर रखा था, तीसरा कहाँ रखा था भैया सी पर रखा था,
चौथा कहाँ रखा था बताइए जल्दी से, एफ एफ और सी पर डाला। देखो बार बार कर रहे हो याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा भैया मैंने यहाँ, अब तो इसके आगे लगा दू तो अब एफ पर ही डाल देता हूँ। ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ भैया, एफ पर ही डाल देता हूँ। अब डालने पर क्या होगा, पहला रूल वही, पहला वाला हमेशा लगाना कि एक्स एक्सिस जो एक्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है ना बेटा, उससे पहले रे आएगा तो वो किससे जाएगा, फोकस से ही जाएगा। अब क्या करेंगे, अब पीछे वाला से करेंगे, क्या कहे बेटा पीछे से, देखो इसके टॉप से मैं सी वाले से ले जाऊंगा और सी वाला रूल क्या कहता है भैया, सी से जाएगा वही वापस हो जाएगा। तो इस समय कैसा इमेज बनेगा, तो इमेज देखो हमेशा याद रखना, इमेज जब दो लाइन मिल रिफ्लेक्टिव लाइन मिलता है तभी तभी क्या होता है बेटा, इमेज फाउंड होता है, वैसे मतलब इमेज फाउंड नहीं होगा। देखिए तो पोजीशन मतलब बनते हुए दिखेगा और नहीं मिल रहा तो मतलब पता नहीं कहाँ बनेगा, हमें खुद नहीं पता। तो कह रखा है ये दोनों लाइन मिल रहा है क्या, रिफ्लेक्टिव लाइन कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा तो पोजीशन बताओ। कह रहे भाई इनफाइनाइट, हमें पता नहीं कहाँ मिलेगा ये, हमें नहीं पता कहाँ पर मिलेगा। कह रहा कैसा बनेगा भैया, नीचे बन रहा है मतलब वो रियल बनेगा, कैसे बनेगा रियल और इन्वर्टेड, मतलब नीचे जो एक्स एक्सिस है ना उसके नीचे बनना तो वो इन्वर्टेड भी होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, मतलब ये लाइन कहीं जा रहा है ना, कहीं ना कहीं ना मिलेगा वो, तो इसलिए क्या है रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसा बनेगा, हाईली लार्ज बनेगा, मतलब जितने ऑब्जेक्ट उससे ज़्यादा, अब कहाँ मिल रहा है कितना बड़ा बनेगा वो नहीं पता, तो ये क्या है हाईली इन लार्ज इमेज बनेगा। कब बनेगा, जब आप फोकस पर आप इमेज रखोगे वहाँ पर आपका इमेज कैसा बनेगा भैया, हाईली इन लार्ज बनेगा इमेज, ठीक है, बड़ा साइज का बनेगा। अब ये देखिए जो लास्ट है हमने यहाँ डाल दिया, अब क्या करेंगे, अब यहाँ डालना पड़ेगा कि नहीं बन इसके एफ के आगे, तो देखो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन किसके भैया, एफ और P, मतलब F और P के बीच में कोई डाल दिया मैंने कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा इस ये जो हमारा कॉनकेव मिरर में ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्योंकि देखो हर केस में क्या हो रहा था कि हम ऐसे टकरा के वापस ले जाए, इसमें नहीं हो पाए टकरा के बीच में से जाना। हाँ तो देखो पहला केस देखो, यहाँ से इमेज गया, यहाँ टकरा के क्या होगा, यहाँ वापस आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, और ये जो सी है यहाँ जाएगा बट एक्चुअल में तो नहीं आएगा ना, तो ये कैसा लगे बाहर की ओर अंदर की ओर बन रहा है, कैसे भैया, और ये अंदर की ओर बनता है उसको क्या बोलते हैं, एपियर हो रहा, मतलब बनते हुए दिखता है, बनते हुए दिखता है, तो इसलिए देखो कैसा एरर जो रहा है, ये ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा। अब ये यहाँ पर इमेज बनेगा, तो जब ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखोगे, एफ और पी के बीच में रखोगे, तो इमेज कहाँ बनेगा, शीशे के अंदर की ओर बनते हुए मुझे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज में बताया गया है, तो ये वाला जब इमेज के पीछे में बनता है ना तो डॉट डॉट लाइन देना होता है, डॉट डॉट लाइन देना होता है, ठीक है। और ये वाला तो भैया ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, बट इसका इमेज तो बनेगा ही नहीं, तो इसका इसलिए पीछे वाला इमेज ले लेंगे। अब देखो पोजीशन बताओ कहाँ बनेगा, तो पोजीशन बिहाइंड मिरर, मिरर है ना उसके पीछे में इमेज बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अरे ये कौन सी बात हुई, वर्चुअल का मतलब भैया जो रियलिटी में नहीं है, मिलते हुए दिख रहा है ना, पहला केस याद वो वाला रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बताया था ना, जो पीछे में बनता है मिरर के अंदर जैसा बनता है तो हम बोलते हैं वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब सीधा बनेगा, जैसा ऑब्जेक्ट वैसे बना कि नहीं बना, है ना, इसलिए क्या है इसका नेचर का वर्चुअल एंड इरेक्ट है। फिर कैसा बनेगा, इन लार्ज बनेगा, कैसा बनेगा भैया, इन लार्ज, जैसे यहाँ पर क्या है बेटा, छोटा इमेज मतलब छोटा ऑब्जेक्ट है बट आपका इमेज कितना है बेटा, बड़ा है, तो इसलिए इन लार्ज आपका ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो गया, यस नो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बेटा हमारा, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट पहला रूल लगाएंगे कि भैया इसके पहले एक लाइन ले जाते हैं, ठीक है, दूर हो जाए तो यहाँ से टकरा कर मतलब ऐसे आएगा, बट यहाँ पर तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, बहुत पास में, इसलिए क्या होगा हमें ऐसा लगेगा ये ना ऐसे जा रहा है, ये वाला लाइन ऐसे जा रहा है और यहाँ से टकरा के वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला केस यहाँ पर गया, अब दूसरा क्या लेंगे, दो रे लेना है, तो एक रे कौन सा लेते, सी वाला ले लेते, बट यहाँ पर तो टकरा कर आ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो अंदर की ओर इमेज बन रहा, पहला अंदर गया तो दूसरा वाला भी कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा। अब यहाँ टकराने के बाद ये दूसरे लाइन से आ गया, तो इस केस में क्या होता है, इमेज अंदर की ओर बनता है, कहाँ बनता है, अंदर की ओर, और जब अंदर की इमेज बनता है तो ये डॉट डॉट लाइन आपको देना पड़ेगा, तो बस सीधी भी बन रही है, तो इसलिए वर्चुअल और इन इरेक्ट बन रहा है, मतलब जैसा है वैसे बन रहा है, और इससे जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा बन रहा है, इसलिए यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखो जो कॉनकेव मिरर पढ़े हैं भैया कहाँ यूज़ करते हैं तो आपको पता भी होगा, पहला पढ़ के बताओ बेटा क्या लिखा है, यूज
वे देखो जो कॉनकेव मिरर हम ना आप लोग ने गांव में देखे होंगे है ना, जंगलों में जा रहे होंगे तो क्या करते हैं भैया, टॉर्च लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अंधे तो वो क्या होता है यहाँ पर उसका जो प्रिंसिपल ही पर रहता है, मतलब पोल पर ही ना उसका बल्ब रहता है, उसकी वजह से वो क्या होता है ऐसे फैलता है रोशनी, फैलता है कि नहीं फैलता है। हाँ ये बात समझ में, यूज टॉर्च सर्च सर्च लाइट व्हीकल हेड लाइट। अब व्हीकल हेड देखिए मतलब जो गाड़ी का हेड होता है ना उसके अंदर देखते हो ना रोशनी क्या फैलती है, क्यों फैलती है, मान लेना जो जो एक भार से भी एक वो तो होती है बट जो उसका बल्फ है ऑब्जेक्ट है एकदम पोल के पास रहता है, ऑब्जेक्ट के पास रहता है और जितने पास में रहेगा उतने ही इमेज बड़ा फैलता है, ठीक है। फिर उसके बाद यूज बाय द डें हाँ देखो और बताता हूँ कौन के मिरर कहाँ यूज़ करते हैं। आप लोग दांत किसी का ख़राब हुआ है तेरा उस गए थे शीशा यूज़ किया होगा वो, तो कौन सा शीशा यूज़ करते हैं वो कौन के मिरर आता है कि यूज़ ऑफ कौन के, पांच लाइन लिख के दिखाओ, ये टेप देना चार मार्क्स आपके जिंदे मिलेंगे। हाँ अब देखो सेविंग करते हाँ मान लो यार जैसे आप लोग सैलून में जाते तो वो कौन से मिरर यूज़ करते भैया, कौन के मिरर यूज़ करते हैं हाँ उदर से तो उसमें कौन सा यूज़ करना, ये सब आपके आएंगे चार मार्क्स के आएंगे भैया। यूज़ सोलर फ्रेंड्स, देखो सोलर फ्रेंड्स का क्या होता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में क्या होता है कि सन जो सोलर होता है ना उसमें रोशनी को इकट्ठा करने के लिए वो भी कौन के मिरर यूज़ करते हैं, क्या करते हैं कौन के मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है।